दोस्तों, सडनली आपके मोबाइल में एक फोन आता है और सामने से कोई गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर बन करके आपको फोन करता है और आपको कहता है कि आपका बेटा आज रास्ते में किसी लड़की को मोलेस्ट किया है या फिर उसके साथ कोई गलत एक्टिविटी किया है, इसीलिए आपके बेटे को हम लोगों ने अरेस्ट करके रखा है पुलिस स्टेशन में। अगर आप नहीं चाहते हो कि फर्दर एक्शन हम लोग ले आपके बेटे के ऊपर, तो जल्दी से मैं आपको एक QR कोड भेजता हूं, उस पर आप लोग 5,000, 10,000 जो भी एक अमाउंट पेमेंट करके भेज दीजिए, आपके बेटे को रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही ऐसा कॉल आप में से किसी के भी पास आता है तो आप डर जाते हो, और डरना स्वाभाविक भी है क्योंकि कोई भी आदमी डर जाएगा। भाइयों और बहनों, ये ऐसा कॉल अगर आपको मिले तो आप डरना मत, क्योंकि ये आजकल चल रहा स्कैम है, इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जहां पर कोई भी स्कैमर आपका सारा पर्सनल डिटेल को कलेक्ट करके उसके बाद आपको एक ऐसा वे में गवर्नमेंट ऑफिशियल बन करके फोन करता है जिससे कि आप डर जाते हो और डर करके आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 पेमेंट कर देते हो और आपके साथ स्कैम हो जाता है। कभी कभी तो लाखों लाखों पेमेंट कर देते हो और आपके साथ स्कैम हो जाता है। और इस स्कैम को 2024 में नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। भाइयों और बहनों, आप लोगों में से हो सकता है कि कई लोगों के साथ ऐसा हो भी गया हो, आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। भाइयों और बहनों, जब पहला बात तो अननोन नंबर से जब कोई फोन आता है तो हम लोग फोन उठाना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर फिर भी अगर आप फोन उठाते हो और आपको अगर कोई ऑफिसर या कोई बन करके आपको बोलता है कि हाँ भाई, आपका बेटा या आपका बहन या आपका भाई या आपका माता पिता कोई भी पुलिस कस्टडी में है या कहीं भी है, तो पहला बात तो आप डरिए मत, क्योंकि पुलिस कभी भी फोन पे एक्शन नहीं लेता है। पुलिस को जब एक्शन लेना रहेगा, पुलिस ऑन द स्पॉट आपके पास आकर के एक्शन लेगा। पुलिस कभी फोन पे आपको डराता धमकाता नहीं, पहला बात तो आप ये समझ कर रखिए। दूसरा बात है कि जैसे जैसे ही आपको लगे ऐसा कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज आए, तो प्लीज आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, डरिए मत और खुल के जिए। जब आप डर जाते हो इसलिए आपके साथ स्कैम होता है, क्योंकि देखो स्कैम होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है डर। हम लोग डर इतना जाते हैं कि हम लोग के साथ चीट और फ्रॉड हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आगे फैलाइए, आगे शेयर करिए, जिससे किसी भी आपके फ्रेंड, किसी भी आपके रिलेटिव, देश के किसी भी व्यक्ति के साथ ये स्कैम अगर नहीं हुआ है तो उनके साथ ना हो, होने से पहले लोगों को जागरूक करिए। धन्यवाद दोस्तों।